दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये मूंगफली के दाने हैं और इसे मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर भून के आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं माइक्रोवेव में आपको दिखाऊंगी मूंगफली के दाने को कैसे आप फटाफट बहुत आसानी से भून सकते हैं। ये मेरा सैमसंग का 28 लीटर माइक्रोवेव ओवन है। देखिए माइक्रोवेव के ऑप्शन को हम प्रेस किए हैं और 900 टेम्परेचर पर हम इसको रखे हैं और देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ टाइम सेट करने का ऑप्शन आया। तो यहाँ से हम टाइम सेट करेंगे 1 मिनट के लिए। सबसे पहले हम माइक्रोवेव करेंगे। तो एक माइक्रोवेव सेफ बर्तन में हम मूंगफली के दाने को रखे हैं और इसको माइक्रोवेव में रख देंगे और अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए स्टार्ट का बटन को हम प्रेस कर दिए हैं और बहुत अच्छी तरह से हमारा मूंगफली भून रहा है। दोस्तों अगर हमें कढ़ाई में भूनना है तो नमक डाल के हम भून सकते हैं। नमक को तेज गर्म करना है और उसके बाद मूंगफली के दाने को डाल देना है। जब तक ना वो क्रिस्प हो तब तक भून लेना चाहिए। सबसे आसान है, आप माइक्रोवेव में इस तरह से भून सकते हैं। देखिए 1 मिनट पूरा होने वाला है, फिर मैं दिखाती हूँ इसके बाद क्या करना है। तो अभी मैं फिर से मूंगफली के दाने को थोड़ा सा इधर उधर करके पलट देंगे और फिर से हम 1 मिनट के लिए 900 टेम्परेचर पर फिर से हम मूंगफली के दाने को भूनेंगे। तो देखिए हम टाइम सेट कर दिए हैं और हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए कितना अच्छा चट चट का आवाज़ आ रहा है। हमारा मूंगफली बहुत अच्छी तरह से भुना रहा है और बिल्कुल आसान तरीका है ये मूंगफली के दाने को भुनने का। एकदम फटाफट 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब ये टाइम पूरा होने वाला है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा हमारा मूंगफली भुनाया है। तो टोटल 2 मिनट टाइम लगा, पहले 1 मिनट, उसके बाद मूंगफली के दाने को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके फिर 1 मिनट के लिए आप रखेंगे। टोटल 2 मिनट में देखिए अभी हम मूंगफली के दाने को निकाल लिए और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मूंगफली के दानों से और एकदम क्रिस्प और बहुत अच्छा भुनाया है। तो इस तरह से मसल मसल के हम मूंगफली के छिलका उतार देंगे। इस मूंगफली के दाने से हम नमकीन भी बना सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।